गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड क्रिस्टल किसको कहते हैं? अगर कोई सॉलिड है, अगर ये कोई एक सॉलिड है, जब इस सॉलिड को क्या करोगे, आप हीट करोगे, जब इसको गर्म करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस के अंदर वो डायरेक्टली क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, बट पहले किसमें कन्वर्ट होता है? ये टर्बी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक सॉलिड है, अगर इसको हीट किया जाए तो पहले टर्बी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और टर्बी लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद और इसको हीट किया जाए तो फिर अंत में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो बीच वाली इंटरमीडिएट स्टेज है, ये बीच वाली जो न तो लिक्विड की है और न ही सॉलिड की है, मतलब कि ये टर्बिड लिक्विड वाला बीच वाला पोर्शन है जो सॉलिड की प्रॉपर्टी को भी शो करता है और लिक्विड की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। इसी इंटरमीडिएट स्पीशीज को किस नाम से जाना जाता है? लिक्विड क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी सॉलिड को जब अपन लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले एक आवेश लिक्विड टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही जो बीच वाली स्टेज है उसको किस नाम से जाना जाता है? लिक्विड क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं उसको मुख्य रूप से दो क्लासों के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक जो है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, और दूसरा जो होता है स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। इस प्रकार से कितनी क्लास में बांटा है? दो क्लास में बांटा है। अब देखो निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, यहां पर निमेटिक जो वर्ड बना है वो निमेटिक वर्ड किससे बना है? निमेटोज से बना है। ग्रीक भाषा का वर्ड है निमेटोज, और उस निमेटोज से क्या बना है? ये निमेटिक जो वर्ड है, इस निमेटिक वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और इस निमेटोज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? थ्रेड, मतलब धागे के समान, सूत्र के समान। तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जिनकी जो संरचना है वो किसके समान हो? थ्रेड लाइक हो, धागे के समान हो, तो उनको क्या कहते हैं? निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। वे लिक्विड क्रिस्टल जिनकी संरचना धागे के समान होती है उनको क्या कहते हैं? निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इस प्रकार के जो लिक्विड क्रिस्टल हैं, इन लिक्विड क्रिस्टल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की कंपैरिजन में हाई होती है। इनकी जो वेलोसिटी की अगर बात करूं मैं, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी इस स्मेक्टिक की तुलना में कैसे होती है? हाई वेलोसिटी होती है। ये अधिक तीव्रता, अधिक वेग से ये गति करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इनकी विस्कोसिटी की अगर बात की जाए तो इनकी जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी इसकी कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार से वेलोसिटी हाई होगी और विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। दूसरी बात ये देखिए, तो ये जो है जो पोलर लाइट और नॉन पोलर लाइट जो होती है उसके अंदर ये क्या दिखाई देते हैं? क्लियर दिखाई देते हैं। साथ में इसके ऊपर जो मैग्नेट का इफेक्ट है वो मैग्नेट का इफेक्ट भी दिखाई देता है। दूसरा जो प्रकार है वो है स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। यहां पर स्मेक्टिक से जो मतलब है वो है सॉ। क्या मतलब है? सॉ मतलब साबुन की तरफ। ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जिसका बिहेवियर सॉ के समान हो, साबुन के समान हो, तो उसको क्या कहते हैं? स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इस प्रकार के जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, इस लिक्विड क्रिस्टल की जो संरचना है वो ये इस प्रकार से परतदार संरचना होती है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर। इस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो यूं कह सकते हैं अपन, सीढ़ी नुमा संरचना होती है। ये पहली सीढ़ी, फिर ये दूसरी सीढ़ी, ये इस प्रकार से सीढ़ी नुमा इसकी संरचना होती है, या फिर यूं कह सकते हैं परतदार संरचना होती है। और प्रत्येक जो परत है
उस प्रत्येक परत के अंदर लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो एक सरल रेखा के अंदर व्यवस्थित होते हैं, एक सीधी रेखा के अंदर व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये समानांतर रूप से लगी हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है। दूसरी बात है कि इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी वेलोसिटी इसकी तुलना में, निमेटिक की तुलना में क्या होती है, कम होती है। निमेटिक की वेलोसिटी हाई थी जबकि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। निमेटिक की विस्कोसिटी क्या थी, कम थी जबकि इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो इसकी विस्कोसिटी हाई होती है और वेलोसिटी कम होती है। दूसरी बात यह है इनके अंदर बहने का जो गुण होता है वो बहने का गुण किस प्रकार से होता है, जैसे कि एक परत दूसरी परत के ऊपर क्या हो रही है, फिसल रही है, तो इस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टीज होती है। इसके बहने के अंदर क्या है, ये दोनों परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, तो इस प्रकार से इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, गुण पाया जाता है। जब इस लिक्विड क्रिस्टल को अपन किसी लाइट के अंदर देखते हैं तो लाइट के अंदर देखने पर ये इसकी जो व्यवस्था है बिल्कुल इस प्रकार से परतदार व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और यदि इसको अपन किसी पोलर लाइट के अंदर देखे, अगर इसको ध्रुवित प्रकाश के अंदर देखे तो ध्रुवित प्रकाश के अंदर देखने पर इसकी जो क्लियरिटी है और भी बढ़ जाती है, मतलब बहुत अच्छी तरह से क्लियर रूप से ये इस प्रकार से परतदार एक के ऊपर एक संरचना जो है स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देती है। और इसमें अपने देखा था कि न्यूमेटिक में जब पोलर लाइट और नॉन पोलर के अंदर देखे तो इसमें किस प्रकार से दिखाई देती थी, ये फ्रीड लाइट दिखाई दे रही थी, धागे के समान दिखाई दे रही थी, जबकि इसमें कैसे दिखाई दे रही है, ये सीढ़ी नुमा कह सकते हैं या एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर परतदार के रूप में कह सकते हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये इस प्रकार की लिक्विड क्रिस्टल है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि इसके अंदर क्या पड़ता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है। अगर ये जो है इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। जैसे कि स्फेक्टिक की अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल कौन सा है, एथिलीन पैरा एडोक्सी डेंजर, ये स्फेक्टिक का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एथिलीन पैरा सिनेमेट, ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्फेक्टिक का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से इस निमेटिक के जो एग्जाम्पल है पैरा एडोक्सी एनिसोल और पैरा एडोक्सी फेनिटोल, ये जो है निमेटिक के एग्जाम्पल है। और लगभग ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आता ही है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, एक्सप्लेन, इसको पूरा दोनों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, अच्छी तरह से इसको याद करना। थैंक यू।